सबकी निगाहें आज नवाई सुबह पे है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी हेडक्वार्टर पे है, क्योंकि आज यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है जिसमें जितने भी पार्टी के जो MLAs हैं जिन्होंने हाल ही में इलेक्शन जीता है, और उसके बाद यहाँ पे आज CM कैंडिडेट को अनाउंस किया जाएगा। आज यहाँ पे बिल्कुल लेजिस्लेटिव जो कमेटी है वो आज यहाँ पे बैठेगी, और उसके बाद यहाँ पे CM का अनाउंसमेंट किया जाएगा। और उसके बाद लगातार अलायंस पार्टनर्स के साथ था, पहले ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके साथ उसके बाद बैठक होगी, लेकिन बिल्कुल पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर हम मौजूद हैं, और यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं जो जीत के आए हैं वो लगातार अब नवाई सुबह की तरफ जो है नवाई सुबह में घुस रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे अभी कुछ देर के बाद ही एक मीटिंग होगी जिसकी सरबराई जो है पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला करेंगे, और गालिबन फारूक अब्दुल्ला पार्टी के प्रेसिडेंट भी होंगे, और उसके साथ साथ जितने भी MLA जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत के आए हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा बनेंगे। और लगातार आज सुबह से ही पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हाल ही में जीत हासिल की है वो लगातार यहाँ नवाज सुब की तरफ आ रहे हैं। और आपको बताऊं कि आज जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 370 के खात्मे के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में पहली बार हुकूमत बनने जा रही है, और 2014 में जो हुकूमत बनी थी जिसमें PDP और भाजपा की अलायंस हुई थी, और 2018 तक वो गवर्नमेंट चली थी, और उसके बाद यह गवर्नमेंट आगे नहीं चल पाई, और आज 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें इंटरफेयर किया था, और उसके बाद ये हुकूमत अब बनने जा रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो लीडर्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीरवा के कैंडिडेट मोहम्मद शफी वानी भी यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ पे अपने जो पार्टनर जो कलीग्स हैं सलमान सागर उनके साथ मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ लगातार ये सिलसिला आज सुबह से ही जारी है, और पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अब यहाँ धीरे धीरे जो है आने लगे हैं। अब से कुछ देर के बाद ही ये मीटिंग जो है यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर यानी कि नवाई सुबह में जो है यहाँ पे शुरू होगी। आपको बताया कि लगातार आज जो है CM कैंडिडेट का अनाउंसमेंट श्रीनगर में किया जाएगा। बिल्कुल नवाई सुबह की तस्वीरें हैं, और इस नवाई सुबह में आज जो है आने वाले 5 साल, क्योंकि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे मैंडेट मिला है, तो और इनके साथ कांग्रेस अलायंस में था, और मिलके इन्होंने इलेक्शन लड़ा है जिसमें कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42, और कहा जा रहा है कि और भी जो 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो घर वापसी करेंगे, यानी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर वापस आएंगे, तो कुल मिला के 46 नेशनल कॉन्फ्रेंस के उसके बाद बनते हैं, और कांग्रेस के 6 सीटें जिसमें तारिक अहमद कर्रा, जे मीर और उसके साथ साथ हाफिज लोन के साथ साथ और भी कहीं जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस बार जीत हासिल की है, और लगातार जो लीडर्स है वो अब नवाज सुब की तरफ रुख कर रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद ही उमर अब्दुल्ला के साथ साथ पार्टी के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला भी नवाज सुब पहुँचेंगे, और आज CM कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, और उसके बाद अलायंस पार्टनर यानी कि कांग्रेस के साथ बैठक होगी, और उस बैठक में जो है पोर्टफोलियो भी डिस्कस किए जाएंगे, और उसके बाद एक मेमोरेंडम जो है, हालांकि पहले ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक मेमोरेंडम हम राजभवन भेजेंगे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास एक मेमोरेंडम रखेंगे, और उस मेमोरेंडम में जो है सरकार बनाने की दावा जो है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कांग्रेस इनका जो पार्टनर है वो यहाँ पे गवर्नमेंट बना सकते हैं। सलमान सागर के साथ बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुर सलमान साहब एक मिनट, आज की मीटिंग किस बारे में हो रही है? ये एक मीटिंग है जिसमें फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की जाएंगी उमर साहब के चीफ मिनिस्टर बनने की, वो उनको लीडर इलेक्ट किया जाएगा इस मीटिंग में, और इंशाल्लाह मुस्तहिम आने वाले 2 या 3 दिन में ज्यादा से ज्यादा उमर साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। शुक्रिया। कल अलायंस पार्टनर्स के साथ आपकी मीटिंग होगी, तो क्या कुछ उसमें डिस्कस किया जाए? आज CM कैंडिडेट का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। हाँ, उमर साहब के लिए मीटिंग हो रही है आज। उमर साहब की जो ये फॉर्मेलिटीज होती है, जो बेसिक फॉर्मेलिटीज गारमेंट फॉर्मेशन की होती हैं, तो उनको लीडर इलेक्ट किया जाएगा, और अलायंस का भी उनको लीडर इलेक्ट किया जाएगा।
देन अल्टीमेटली लीडर ऑफ द हाउस सेलेक्ट करके उनको एलजी साहब के पास जाना है क्लेम करने, गवर्नमेंट फॉर्मेशन क्लेम करने के लिए, और होपफुली ये प्रोसेस दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सलमान साहब, कितना मुश्किल होगा क्योंकि पावर्स उतने असेंबली के पास नहीं है, सीएम के पास पावर्स नहीं, कितना मुश्किल होगा गवर्नमेंट पावर्स का मैं अभी नहीं कह सकता, एलजी साहब के जो पावर्स बढ़ाए गए थे या जो भी, लेकिन हमारे पास स्ट्रेंथ है, हमारे पास वोट है, हमारे पास पब्लिक का इतना ज्यादा मैंडेट है, तो वो इन छोटी मोटी चीजों को बहुत पीछे छोड़ देता है। एलजी साहब ने कितने पावर्स अपने पास रखे हैं या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या पावर्स है, तो हमारे पास जो पब्लिक सपोर्ट है, पब्लिक मैंडेट है, मैसिव पब्लिक मैंडेट है, उसके सामने बहुत सी ताकतों को झुकना पड़ेगा और यहाँ की ग्लोरी जो है रेस्टोर करनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल, 53 में पीएम और उसके बाद सीएम और आज सीएम अंडर यूटी, सर कैसे इस ये पब्लिक बेनिफिट के लिए है जो आप लोगों को समझना चाहिए। आप डायरेक्टली दिल्ली से रूल कर रहे थे, आप लोगों पर लूट मुसलत किया जा रहा था, उमर साहब ये लार्जर इंटरेस्ट के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, उनको पता है कि आज जिन मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, यहाँ उमर साहब जैसा विजनरी और विजडमफुल लीडर होना चाहिए, बजाय अगर हम उसे पॉलिटिक्स करेंगे सीएम टू पीएम टू व्हाटएवर, उमर साहब की जरूरत है इस वक्त हमें। बहुत शुक्रिया। सलमान सागर मेरे साथ मौजूद थे जो कि हजरतबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आए हैं, और उसके बाद यहाँ पे अब से कुछ देर के बाद ही मीटिंग शुरू होगी और लगातार जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे डीएच पोरा सकीना इत्तू भी पहुँची है, इससे पहले भी एमएलए रह चुकी है वहाँ पे, और इस बार भी भारी अक्सरियत से जो है वहाँ पे जीत हासिल की है। उसके साथ साथ वहाँ पे मेन कुलगाम की बात करें तो वहाँ पे भी मोहम्मद यूसुफ तारिक आमी ने इस बार जीत हासिल की है। तो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स हैं, वो लगातार अब नवाज शरीफ की तरफ जो है धीरे धीरे आ रहे हैं, और अब से कुछ देर के बाद ही मीटिंग जो है वो शुरू होगी, और उसके बाद आज सीएम कैंडिडेट मीटिंग की जा रही है। हालांकि पहले ही उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि यहाँ पे हम जो है लेजिस्लेटिव कमेटी को यहाँ पे बिठाएंगे, और उसके बाद जो वहाँ पे फैसला होगा वो सराखों पे है। तो कुल मिला के आज सीएम का अनाउंसमेंट होगा पार्टी हेडक्वार्टर नवाज शरीफ में, और यहाँ पे अब से कुछ देर के बाद ही मीटिंग शुरू होगी, और यहाँ पे सीएम का अनाउंसमेंट हो जाएगा, और उसके बाद जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ शायद आज शाम को ही बैठक होगी, और उस बैठक में अलायंस पार्टनर्स के साथ जो है मीटिंग की जाएगी। बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें और भी जो लीडर्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ पार्टी के ऑफिस की तरफ आ रहे हैं, और इस पार्टी के ऑफिस में जो है यहाँ पे डिस्कशन होगी, ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। सर सर बता दीजिएगा आज मीटिंग है, किस लिए मीटिंग है, और आज सीएम का अनाउंसमेंट शायद होगा इंशाल्लाह रहमान। आज जो लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग है तो ये सीएम तो हमारे उमर साहब है ही हैं, उसमें कोई शक नहीं है, तो विद इन 2 or 3 days गवर्नमेंट बन जाएगी और उसी के बारे में मीटिंग होगी इंशाल्लाह रहमान। कितनी उम्मीदें हैं अब सीएम, क्योंकि उतने पावर्स नहीं है सीएम के पास? बहुत पावर्स हैं, क्योंकि ये हमारा काम है पावर्स लाना, ये झारखंड और यूपी या गुजरात नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। चले बहुत शुक्रिया, ये झारखंड नहीं है, यूपी नहीं है, और कोई स्टेट नहीं है, पावर्स लाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स कह रहे हैं कि हमारा काम है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यूटी में सीएम बनना और सीएम के कितने पावर्स होंगे वो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर नवाज शरीफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्टी हेडक्वार्टर है, यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ अब धीरे धीरे जो है जमा हो रही है, और अब से कुछ देर के बाद ही ये मीटिंग शुरू होगी, और इस मीटिंग में आज सीएम कैंडिडेट अनाउंस किया जाए, यानी कि आज सीएम को यहाँ पे घोषित किया जाएगा, और उसके बाद जो अलायंस पार्टनर्स कांग्रेस है उनके साथ भी बैठक होगी, और उसके बाद एक मेमोरेंडम जो है राजभवन की तरफ भेजा जाएगा, और यहाँ पे गवर्नमेंट की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट बना सकती है। तो कुल मिला के आज अब से कुछ देर के बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी हेडक्वार्टर में मीटिंग होगी, सारे लीडर्स सारे एमएलएज जो जीत कर आए हैं वो अब यहाँ पे आ रहे हैं, अब से कुछ देर के बाद ही ये मीटिंग शुरू होगी। बाकी अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए।